जय हिंद दोस्तों, क्या होती है ये स्टील बुलेट, आम बुलेट से क्यों इतनी खतरनाक होती है, दोस्तों ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। 30 जुलाई 2022 को जम्मू कश्मीर के बारमूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक इनकाउंटर हुआ था। इस इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया था। जब सुरक्षा बलों ने बारामूला के वानी गांव बाला में आतंकियों को घेरा तो उनकी तरफ से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक अजीब किस्म की बुलेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जब कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने हमला किया था तब भी इसी बुलेट का इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों द्वारा जो गोलियां भारतीय जवानों पर चलाई गई थी वो कोई आम गोली नहीं थी बल्कि स्टील बुलेट थी। स्टील बुलेट आम बुलेट से थोड़ा अलग और बेहद खतरनाक होती है। ये एक खास तरह की स्टील से बनाई जाती है जिस वजह से यह बहुत घातक हो जाती है। स्टील बुलेट एक बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज देती है। दोस्तों एक सामान्य AK-47 या किसी अन्य राइफल में जो गोली उपयोग की जाती है उसके आगे का भाग तांबे का बना होता है, लेकिन यह बुलेट प्रूफ स्टील या फिर कांच के कवच और बुलेट प्रूफ जैकेट को पार नहीं कर पाती है। वही अगर स्टील बुलेट की बात करें तो यह बुलेट 6 से 7 इंच मोटी स्टील की चादर या बुलेट प्रूफ जैकेट को भी आसानी से पार कर सकती है। दोस्तों यह बात किसी से छुपी तो नहीं है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है। आतंकियों को जो हाईटेक हथियार मुहैया कराया जाता है वो पाकिस्तान से ही आते हैं। पहले पाकिस्तान को यह बुलेट चीन द्वारा दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान यह बुलेट खुद ही बना रहा है। पाकिस्तान में तैयार स्टील बुलेट का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्टील बुलेट या इससे भी घातक हथियारों से अपने जवानों के बचाव के लिए भारतीय सेना लगातार नई तकनीक के इस्तेमाल की कोशिश कर रही है। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों द्वारा जिन गोलियों का इस्तेमाल किया गया है वह भी बुलेट प्रूफ जैकेट को आसानी से पार कर सकती है। हालांकि भारतीय सेना स्टील बुलेट को रोकने वाली जैकेट की खरीद पहले से भी करती रही है, लेकिन अब इस नई मुश्किल से पार पाने के उपाय भी खोजे जा रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।